वेलकम गाइस। तो आज हम जा रहे हैं एकोलैंड पार्क पे। गुवाहाटी में सबसे बड़ा ये एम्यूजमेंट पार्क है जिसका गूगल पर रेटिंग है 4.1 और रेटिंग के हिसाब से वो साइट बहुत ही अच्छा है। प्लस उसका ऑफिशियल साइट पे लिखा है 28 राइड्स इंक्लूडिंग वाटर राइड्स। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो चलो आज हम उसको एक्सप्लोर करते हैं और आप लोगों को दिखाएंगे एक एक चीज में क्या है क्या नहीं है, बच्चों को लेके जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, पानी कैसे है, सब कुछ ए टू जेड हम लोग दिखाएंगे आपको। सो लेट्स गो। तो हम एंट्री कर चुके हैं और अंशा और मीरा दोनों बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है घूमने के लिए। बट हम अंदर जाके देखेंगे उन दोनों को, मतलब पानी पे लेके जाना चाहते हैं नहीं चाहते, पानी ठंडा है गर्म है, वो सब हम आपको दिखाएंगे। बने रहो वीडियो में। इस समय अभी हम पार्किंग लॉट पे है और यहाँ का पार्किंग देख के आपको लग रहा है कम से कम 1000 से ऊपर गाड़ी यहाँ पे पार्क कर सकते हो। और यहाँ का मतलब पेदो मतलब ट्री बहुत ही बढ़िया है और इसमें जबरदस्त व्यू है बाहर से, तो ये आप देख सकते हो। इस टाइम पे भीड़ तो बहुत ज्यादा है दिख रहा है यहाँ से। तो गाइज आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि आप एंट्री करते टाइम जितना जितना सामान आपको जरूरी है वो आपको लेके जाना पड़ेगा, अदरवाइज आप यहाँ पे एक चीज लिखा है वहाँ पे री एंट्री अलाउ नहीं है। दोस्तों टिकट के बारे में तो थोड़ा ध्यान पे रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे तीन प्लान है, जैसे आप देख पा रहे हो एडल्ट में 740 है, बच्चे के लिए 640 है और वो भी उनका क्या यहाँ पे लिखा है हाइट 4 feet 4 inch होगा तभी बच्चे का 640 रुपए। बात करें सैटरडे एंड हॉलीडेज का तो ये एडल्ट का 770 है और बच्चे का 670 है, तो मतलब 30 या 40 रुपए ज्यादा है अगर वीकेंड मतलब वीकेंड या हॉलीडेज पे आओगे तो। गजब बेइज्जती है। ये जो आप ब्रिज देख रहे हो ना ये पूरा मतलब आर्टिफिशियल है, देखने में एकदम रियल लगता है, एक रियल व्यू देता है चढ़ने की, ऐसे मैंने कुछ हिल स्टेशन पे मैंने देखा था। आप इधर जहां देखोगे पूरा एकोलैंड पे पूरा मतलब पूरा सब फैमिली है, फैमिली फैमिली है। ये जो आप देख रहे हो इसको बोलते हैं फ्लाइंग चेयर्स, बट ये बहुत ही सुंदर है और काफी खतरनाक भी है, शायद इसको इसमें मतलब बच्चों को झूलने नहीं देंगे। चलो हम जाके उसको पूछते हैं। हमने इसके पास आ गया और बहुत ही बढ़िया है इसका मतलब राउंड एंड राउंड जैसे होता है ना ये ऐसे ही है, यहाँ का नज़ारा बहुत बढ़िया लग रहा है। ये अभी बंद पड़ा हुआ है, ये बच्चों का पूरा लाइन है यहाँ पे, पूरा एक लाइन से बच्चे लोग जा रहा है। आज संडे है मतलब बहुत सारे स्कूल का बच्चे लोग पूरा आया है यहाँ पे। तो हम अभी मेन पूल पे आ गए और अंशा फोर्स कर रहा है यहाँ पे मतलब जाने के लिए, बट उसको ड्रेस वेस अभी चेंज करना है, देखते। ये मेरा के साथ अंशा बहुत शरारती कर रहा है मेरा के साथ, हम लोग अंशारा अभी मतलब पूरा रेडी है पूल पे जाम करने के लिए, जैसे उसका ड्रेस चेंज किया तो मैं उसके साथ जाना पड़ेगा, अगर वो जाम कर लेगा तो फिर दिक्कत आएगा। पानी काफी ठंडा नहीं है क्योंकि एक बार आप अंदर जाओगे तो अंदर जाने के बाद पता नहीं चलता है। ये शायद मेरे को लग रहा है ये 4 feet तक की गहराई है क्योंकि पूरा मतलब हमारा मेरा जो स्टोमक तक है, स्टोमक तक ही मतलब पानी है, तो उसमें डरने वाली इतना बात नहीं है। यहाँ पे दो पोल है, एक तो पूरा कॉमन है और एक है शिप में, तो 20 मिनट के बाद यहाँ पे होता है और 20 मिनट के बाद वहाँ पे होता है, तो वहाँ पे वेव ज्यादा आता है। तो अभी हम दूसरे पे गया तो वहाँ पे मतलब अंशा ने बहुत कुछ खेला है, ये यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा मतलब वेव की तरह ही है ये। अभी हम लोग दूसरे जगह पे बहुत अच्छे से वहाँ पे हम लोगों ने खेला है, अभी ये दूसरा जहाज के टाइप वेब के टाइप में आएगा यहाँ पे, तो अंशा और हम अभी इधर जा रहे हैं, देखते हैं इसमें जाकर के अभी अंशा खेलेगा या नहीं खेलेगा वो अभी देखना पड़ेगा। तो अभी अंशा का मतलब मूड भी हुआ है अभी खेलने के लिए, तो देखते हैं। अभी अंशा मतलब बहुत अच्छा लगा है अंशा को यहाँ पे, तो अभी मतलब वो खुद जाना चाह रहा है, लेकिन जब वेव स्टार्ट होगा तो ये अभी मतलब ज्यादा रुक नहीं पाएगा, बहुत ही बड़ा जगह है ये।
तो गाइज अभी हम लोग इधर आ गया, इसमें अभी पानी का वेव शुरू होगा, ये मतलब 20 मिनट बाद यहाँ पे होता है, पूरा आपाल तापाल शुरू होगा यहाँ पे पानी में। अभी जैसे हम लोग बैठे हैं यहाँ पे, पूरा आपाल तापाल शुरू होगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा। तो गाइज ये देखो अभी अंशा मेरा मतलब पूरा उसमें ऊपर बैठ गया, बैठ के पानी में अंदर वो कर रहा है, अभी ज्यादा लाफिंग भी कर रहा है, मेरा पूरा हालत खराब है, देखो क्या क्या चल रहा है उसमें। तो अभी इतना स्विमिंग करने के बाद हमको भूख लग गए, ये जूस मिला उसको, और खाने में तो इतना वो नहीं है, ये रोल मंगाया, क्या खा रहे हो? जूस नहीं। ओके अच्छा क्या खा रहे हो? आइसक्रीम। हाँ इट्स टेस्टी ना? नहीं। हाँ वेरी टेस्टी ना? तो अभी हम खाने के बाद अभी हम स्काई ट्रेन पे गया, वहाँ पे अंशा मतलब हम जैसे उठने वाला था तो अंशा पूरा मतलब डर गया उसमें, तो क्योंकि ऊपर से स्विमिंग भी किया है तो पूरा मतलब थक भी गया, तो इसलिए अभी मतलब ट्रेन पे उठा ही नहीं है वो। एक बात तो तारीफ करना पड़ेगा यहाँ का, मतलब ग्रीनरी बहुत ही अच्छा है, ये देखो एक कोकोनट ट्री है, काफी मतलब बहुत ही मतलब ब्यूटीफुल लग रहा है ये। तो अब मेरा नाराज हो गया बिकॉज इसको सब राइड लेना है, लेकिन हम आगे गया नहीं क्योंकि अंशारा बहुत रोने लग गया, इसलिए हमने ये स्काई ट्रेन का भी पूरा मतलब कैंसिल ही कर दिया। ये जो आप फाउंटेन देख रहे हो ना, ये बहुत ही सुंदर है और यहाँ पे आप बैठ भी सकते हो। तो ये कोलंबिया राइड है, इसमें भी काफी लोग है, एकोलम से बाहर जा रहा है और मिर्हा मेरे साथ है, जा रहे हैं अभी। ये आउटवर्ड का रास्ता है, एग्जिट पूरा मतलब एग्जिट पे जा रहा, और ये गाड़ी से नहीं आया, अभी हम कैब से आया। ये कैब गाइस, ये अम्यूजमेंट पार्क का तो टूर ठीक ठाक रहा, लेकिन जब बच्चे के साथ आप लोग आओगे तो ये 28 राइड्स आप नहीं ले पाओगे, तो स्टील मज़ा आया इसमें एक्सप्लोर करने का। तो हम अभी 28 राइड्स तो मतलब लाया नहीं क्योंकि बिकॉज स्विमिंग के बाद पूरा मतलब थकावट आ गया पूरा।